अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 28 DSQ नर्सिंग कॉलेजेस में BS नर्सिंग की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आज डिस्प्ले कर दी गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें मेरिट कितना रहा है और जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो चुकी है वो इसमें कब तक फ़ीस डिपॉजिट करवा सकते हैं और इसमें अपना एडमिशन कन्फर्म करवा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले इनकी अगर ज़रूरी हिदायत देखी जाएँ तो इनमें वाज़े और क्लियर मेंशन किया गया है कि इस मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नेम आ चुका है वो अपने ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें शामिल हैं CNICA फॉर्म, मैट्रिक रिज़ल्ट कार्ड, FAC का रिज़ल्ट कार्ड, डोमिसाइल वगैरह 3 दिन के अंदर अंदर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 30 जुलाई 2022 से लेकर 2 अगस्त 2022 तक मुतलका नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को जमा करवाएँ। और इसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये आपको मुतलका कॉलेज में ले जाकर प्रिंसिपल को जमा करवाना होंगे और तब आपको आप एडमिशन कन्फर्म कर पाएंगे। और अब इसमें मेरिट लिस्ट में जो मेरिट बनाया गया है और इसमें जो लास्ट मेरिट है इसकी बात करते हैं। इसमें टोटल आज आप जानते होंगे कि इसमें 28 कॉलेजेस में नर्सिंग के एडमिशन ओपन हुए थे जो कि सिर्फ फीमेल के लिए थी सीटें, और जो टोटल सीटें थीं वो 1400 सीटें थीं। और इसमें लास्ट मेरिट जो है वो 93.82% पे इसका मेरिट क्लोज हुआ है जो कि FAC बेस पर मेरिट बनाया गया था, यानी इंटरमीडिएट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के नंबर्स को मिलाकर इसका मेरिट बनाया गया था। और उसकी आज जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी गई है और इसमें लास्ट मेरिट जो है वो 93.82% पे इसका मेरिट क्लोज हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो गई है वो अपने मुतलका कॉलेज में दिए गए जो आपको ज़रूरी हिदायत हैं इनके मुताबिक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना होंगे 3 दिन के अंदर अंदर जो कि 2 अगस्त 2022 तक इसमें सबमिट करवा सकते हैं सुबह 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। और इसमें एक मज़े की बात यह है कि पहले आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में स्टाइपेंड 31,000 दिया जाता था लेकिन अब 31,000 बढ़ाकर 46,000 स्टाइपेंड कर दिया गया है जो कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें नर्सिंग प्रोफेशन को इनकरेज करने के लिए स्टाइपेंड जो है वो बढ़ाया गया है। इंशाल्लाह मज़ीद भी एडमिशन्स ओपन होंगे नेक्स्ट ईयर। और इसमें इसमें मेरिट लिस्ट जो है वो पहली मेरिट लिस्ट के बाद नेक्स्ट मेरिट लिस्ट भी अपलोड कर दी जाएगी जल्द से जल्द, और बाकी जो है मेरिट इसका इंशाल्लाह काफ़ी हद तक कम होगा और इस पर आपको बकायदा चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा जो ही कोई अपडेट न्यू होगी। तो मज़ीद इसमें इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।